अब इत सोच ना है। हमारे तो लिखो हुआ को जाको जाएगो आंधा आदमी जाएगो कांग्रेस है तेरी भाई जाको नंबर लग जाएगो जाको जाएगो मन में तो बीजेपी आ रही है ना ना कांग्रेस की है मन में ना भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा का यहाँ कार्यकर्ता तो ये कहते हैं हिंदू और मुस्लिम, अरे मुसलमान को वोट मत दो, अरे कांग्रेस मुसलमान है और बीजेपी हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। हम विकास को वोट देंगे, जो हमारे विकास कराएगा उसको वोट देंगे। जो पहले पार्टी को छोड़कर फिर पार्टी में आए उनका क्या स्थिति हुआ है, उस पर क्या विश्वास किया जा सके? उसको पिछली बार टिकट काटने के बाद वो उसके विपक्ष में खड़ा हो गया, वो भाजपा के, फिर उसके पास भाजपा के टिकट आने के बाद फिर उसने भाजपा का चोला ओढ़ लिया, जनता के सामने आ गया। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव है, इस उपचुनाव में किस तरफ पलड़ा भारी है, कौन हल्का है, मतदाता क्या सोच रहा है, मतदाताओं के बीच पहुंचे हैं और जानते हैं क्या मन है। क्या नाम है जी आपका? भगत सिंह। भगत सिंह आपका तो नाम भी बड़ा जबरदस्त है। भगना नहीं है ना, तो वो भगत सिंह भगा था ना भगरो तो। क्या माहौल है रामगढ़ विधानसभा? भाई माहौल खूब चल रहा, बीजेपी को चल रहा, कांग्रेस को चल रहा ना। अपनी तरफ से बताओ ना। हमारे गांव में तो दोनों तरफ हुई, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी को ज्यादा है, जीत ज्यादा बीजेपी। क्यों कांग्रेस ने काम ना करेगा एक बार ना? हमको तो कछु ना करो है कांग्रेस ने, कछु ना करो। भाजपा ने करो कुछ? भाजपा ने करो करो काई करो एक आध काम है कांग्रेस का काम है सर, भाजपा ने काई करो एक आध बताओ काम ना। काम तो करा भाजपा खूब करा, वैसे काम कांग्रेस ने क्या है हमारे पर, ये तो जातिवाद हो जाए हमारे यहाँ पर। हेडक्वार्टर काम गलत काम करो, हमारे गांव के साथ हेडक्वार्टर यहाँ आना चाहिए और जा बेरे मिले को, बेरे को बास भक्त डोलो, कभी कोटा में गयो, कभी मुकंद बास गयो, वहाँ से चारों मेर के जाते हैं, ये गलत काम कर दियो कांग्रेस ने। कांग्रेस ने हमारे रोड बनवा दिया, यहाँ के रोड भी कांग्रेस ने बनवाया पहले। अब आप बताओ पानी मोड़ बात आ रहा है कांग्रेस बीजेपी, अब आप बताओ भाजपा ने क्या करो? भाजपा ने करा रोड बनाई, भाई कांग्रेस ने हमारे लिए बुजुर्गों के लिए तनख्वाह दी है, हमारा मान सम्मान रखो, हमारी स्कूल बारी की ही, बीजेपी को वोट देते तो बूढ़ा होगा, लेकिन बीजेपी ने ये 800 आगे ना करी और कांग्रेस जब कही तो आने 8 की तो करी 500। हमारे साडोली से करीरा तक तहसील हमारे साडोली बन गई, जो हमें रामगढ़ जाना पड़ता था, बीजेपी कांग्रेस ने हमारे सब कुछ किया है। तो भगत सिंह तो करे, भाजपा ने करो सब कुछ ना? भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा का यहाँ कार्यकर्ता तो ये कहते हैं हिंदू और मुस्लिम, अरे मुसलमान को वोट मत दो, अरे कांग्रेस मुसलमान है और बीजेपी हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। हम विकास को वोट देंगे, जो हमारे विकास कराएगा उसको वोट देंगे, इसलिए हमारे विकास कांग्रेस ने करा, हम उसको वोट देंगे। गांव में क्या माहौल है? पूरे गांव की बात, पूरे गांव में माहौल यही है, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस जी आर्यन जुबैर खान जिंदाबाद। अब आप एक बात बताइए, क्योंकि सरकार भाजपा की है तो काम तो भाजपा ही करेगी? नहीं, हमारे संसद में तो काम यही करेगा, संसद में तो यही करेगा, ग्राम सभा में तो करेगा, फिर और जो बदल देंगे, दिक्कत क्या आ रही है? ये तो जनता का जनार्दन है, काम नहीं करा बदल देंगे। हाँ काम नहीं करा बदल देंगे। क्या नाम है आपका? कपिल गुजर। कपिल जी क्या लग रहा है रामगढ़ विधानसभा? रामगढ़ विधानसभा से देखो युवा नेता है, अच्छे नेता है, जो पहले पार्टी को छोड़कर फिर पार्टी में आए उनका क्या स्थिति हुआ है, उस पर क्या विश्वास किया जा सके? उसको पिछली बार टिकट काटने के बाद वो उसके पक्ष में खड़ा हो गया, मतलब विपक्ष में खड़ा हो गया वो भाजपा के, फिर उसके पास भाजपा के टिकट आने के बाद फिर उसने भाजपा का चोला ओढ़ लिया, जनता के सामने आ गया कि भाई हिंदुओं को वोट दो, हिंदू एक हो जा, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, हम विकास को वोट देंगे। तो नया यूथ लड़का आपके बीच में है जी, अभी अनुभव नहीं है? अनुभव क्यों नहीं है भाई, इनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति, इसका मम्मी विधायक रही है, पापा विधायक रहे हैं और उसका लालन पालन इस हिसाब से हुआ है, हैं? तो उम्मीद यही है कि कांग्रेस जीतेगी इधर से। बोलते ले एक बार, बोलते ले। मतलब हेडक्वार्टर को हक तो हो कर एरिया को, और बास में ढाई बटन में दे दी बिरादरी की पकड़ कर को। बाबा वोट कौन देगा? हमारे तो लिखो हुआ को जाको जाएगो आंधा आदमी, लिखो बीजेपी को जाएगो कांग्रेस है तेरी भाई, जाको नंबर लग जाएगो जाको जाएगो, एक नंबर जाएगो। मन में भी तो होगी कुछ है तेरो भले, मन की ना चल रही, अरे मन की ना चल रही, नहीं आंधा आदमी को, मेरी सुन, मेरी सुन, आखिर में
मैं कहूंगा भाई बीजेपी को दे दे, और ये है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को बटन दबाऊंगा दिखे ना। ऐसे कैसे दबाएगा है? ना भाई ना मान कोई नहीं, मन में तो बीजेपी आ रही है ना, ना कांग्रेस की है मन में। पढ़ो बात करते हो तो। मेरा नाम रमेश जी। रमेश जी क्या माहौल है? माहौल सही चल रहा हूँ, सही चल रहा हूँ। सही तो चल रहा हूँ, लेकिन किस तरफ चल रहा हूँ? ऐसे तरफ तरफ को तरफ कुछ ना। ये जाके इच्छा जहाँ वोट दियो, कोई दबाव ना है। काम कौन ने करा? काम कौन ने करा? काम कौन ने करा? मिलने सब नहीं करा वो तो। सब नहीं करा, बंद काम बनायो सामने सामने। ये तो जो भी है बनाओ, बना भी फूट को दोबारा बन तो जब तक लगो लग। जब तक है ना, है ना अभी। हाँ। आगो छोरा आगो, जो छोरा आगो तो फिर बनवा दोगे, फिर दे देंगे वोट। अच्छा वोट कौन देगा अब के? अब अभी तो सोची ना है, 13 तारीख को सोची ना है। 13 अभी ना, अभी माहौल कोई पद ना है। बीजेपी तो ना है मन में है, अब वो तो सोची ना है। नाम ले ले तो बीजेपी को होती तुम बुरो मत मना, अभी सोची ना, फाइनल ना। अभी कैंडिडेट देखेंगे, दिमाग में सोचेंगे, जब जार बात करेंगे। गाँव का माहौल कैसा? गाँव को बढ़िया चल रहा है। कौन सी तरफ? कौन सी तरफ? अभी तो दोनों तरफ बटो पड़ो गाँव, दोनों तरफ। तो ये वोटर हैं, असमंजस में भी हैं कुछ वोटर्स, और कुछ वोटर ने अपने दिल की बात भी बताई है। हालांकि कांग्रेस का जो पूर्व में दिवंगत जो विधायक रहे हैं, उनके कामों को यहां सराहा जा रहा है। वहां उनके बेटे जो आर्यन खान हैं, वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहां उनके सामने आए हैं। कुछ वोटर्स भाजपा की तरफ भी हैं और कुछ वोटर्स कांग्रेस की तरफ भी, लेकिन असली परिणाम के बाद ही पता लगेगा कि आखिर कौन मैदान में फतह कर रहा है। राजनीतिक विचारधारा के साथ, राजनीतिक समीकरण के साथ, रामगढ़ की विधानसभा के उपचुनाव के साथ आपके बीच फिर आपके बीच हाजिर होंगे, कुछ मतदाताओं के विचारों के साथ। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।